दिल्ली में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब दिल्ली में 434 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक ताजा मामला नंदनगरी इलाके से आया है, जहां नंदनगरी थाने के SHO कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक दिल्ली में 434 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। फिलहाल हम नंदनगरी थाने के बाहर मौजूद हैं और आपको बताना चाहूंगा कि नंदनगरी थाने के SHO भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके संपर्क में आए कुछ पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के मंडावली थाने से भी एक सब इंस्पेक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद मंडावली थाने के भी कई पुलिसकर्मियों को जो है क्वारंटाइन किया गया है। अब तक बात करें तो 434 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से अच्छी खबर यह है कि 140 पुलिसकर्मी कोरोना से जंग जीत चुके हैं, यानी कि वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी करीब 250 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना से लगातार जंग लड़ रहे हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्वारंटाइन हुए पुलिसकर्मियों की संख्या की बात करें तो उनकी भी संख्या 1000 से ज्यादा है, यानी कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके चलते जो पुलिसकर्मी क्वारंटाइन किए गए हैं वो करीब 1000 हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी क्वारंटाइन किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार ड्यूटी करती है कंटेनमेंट इलाकों में, उसके साथ साथ अस्पतालों में भी उनको ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसे में वो ना चाहकर भी कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं और इसके साथ साथ वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में 434 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।